Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says a gun is mounted on a railroad car. The mass of the car, the gun, the shells and the operator is 50 m, where m is the mass of one shell. If the velocity of the shell with respect to the gun in its state before firing, ye line important hai, is 200 meter per second, what is the recoil speed of the car after the second shot? Neglect friction. Fine. So is tarah se hamare paas ek car hai और इसके ऊपर एक गन है और बहुत सारे शेल हैं ऑफ मास स्मॉल एम, और जो टोटल मास है इस कार का दैट इज़ गिवन 50 m. इसमें एक ऑपरेटर है ना, उसका भी मास इंक्लूड है जो कि गन यू नो जो शेल है उसे फायर करेगा. एंड वी हैव टू नेगलेक्ट द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द कार एंड द रोड. फाइन. सो हमें निकालना है कि वट विल बी द रिकॉयलिंग स्पीड ऑफ द कार आफ्टर सेकेंड शॉट, मीन्स जब आप जो सेकेंड शेल है उसे फायर करोगे उसके बाद जो कार है वो कितनी स्पीड से रिकॉइल करेगा. फाइन. सो देखो इसे करने के हमारे पास दो तरीके हैं, दो मेथड है, कंसेप्ट एक ही है, मेथड दो है, दोनों के बारे में बात करेंगे. बाय द वे अगर हम कंसेप्ट की बात करें, सो दैट इज़ यू नो इफ़ आई टेक दिस कार एज माई सिस्टम, पूरी कार को मैं अगर सिस्टम लेता हूँ, सो क्या इस कार पर कोई एक्सटर्नल फोर्स है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. सो इसका जो मोमेंटम है वो कंजर्व होगा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. मीन्स इनिशियल मोमेंटम कितना है? इनिशियल मोमेंटम आप देखो जीरो है और कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है. सो मोमेंटम हमेशा जीरो होगा, इस सिस्टम का मोमेंटम हमेशा जीरो होगा और आपका सिस्टम क्या है? पूरा कार. फाइन. सो जब हम जो फर्स्ट शेल है उसे फायर करेंगे, बाय द वे आपको देखो एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, एंगल नहीं दे रखा कि कितने एंगल पे आपको जो शेल है वो फायर करना है. दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ थीटा एट विच यू विल फायर द शेल इज नॉट गिवन, वो देना चाहिए बट अगर नहीं दिया है तो यू कैन एज्यूम कि वो हॉरिजॉन्टल फायर कर रहा है, मीन्स जो शेल है फायर होने के बाद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगी. अगर मैं फर्स्ट शेल की बात करूँ, जब आप फर्स्ट शेल को फायर करोगे ऑफ मास स्मॉल है राइट, सो वो आगे की तरफ मूव करेगी. आगे की तरफ क्यों मूव करेगी? क्योंकि एक फोर्स लगेगा बाय द गन, गन इस पर एक आगे की तरफ फोर्स लगाएगी. इम्पल्स कहते हैं बाय द वे उसे, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए जो फोर्स लगता है उसे इम्पल्स कहते हैं. सो एक इम्पल्स मिलेगा इस शेल को आगे की तरफ और जो बचा हुआ मास है इस कार का, अब बचा हुआ मास कितना हो जाएगा? 49 m, क्योंकि 1 m तो बाहर हो गया शेल के फॉर्म में. सो बचा कितना? 49 m. अब ये पीछे की तरफ रिकॉइल करेगा, लेट्स से विथ वेलोसिटी v1, और ये जो आपका शेल है ये आगे की तरफ मूव करेगा विथ 200 मीटर पर सेकेंड. बाय द वे ये 200 मीटर पर सेकेंड कहाँ से लिखा मैंने? ये दे रखा है कि आपका जो शेल है उसका रिलेटिव स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू द कार, विथ रिस्पेक्ट टू द कार बिफोर फायरिंग, फायर करने से पहले जो कार का स्पीड है उसके रिस्पेक्ट में आपको रिलेटिव स्पीड ऑफ द शेल दिया हुआ है. आप देखो फायर करने से पहले ये जो कार था वो रेस्ट में था है ना, और फायर करने के बाद ये v1 वेलोसिटी से मूव करने लगा. सो ये जो 200 मीटर पर सेकेंड है ये रेस्ट में है, रेस्ट के रिस्पेक्ट में है या फिर v1 के रिस्पेक्ट में है? तो ये जो है वो रेस्ट के रिस्पेक्ट में, मींस जब वेलोसिटी ऑफ द कार जीरो थी तो जीरो के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें कौन सा स्पीड लेना है कार का? बिफोर फायरिंग, फायरिंग से पहले वाला है ना. अगर आप v1 लोगे, v1 के रिस्पेक्ट में 200 मीटर लोगे सो फिर वो डिफरेंट हो जाएगा, बट अभी रेस्ट के रिस्पेक्ट में लेना है. सो दैट इज 200 मीटर पर सेकेंड. अभी नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज जीरो. सो जितना मोमेंटम ये जो शेल है इसका आगे की तरफ है कितना है? 200 m, उतना ही मोमेंटम जो बचा हुआ मास है कार का उसका पीछे की तरफ होगा, दैट इज 49 m इंटू v1. सो v1 का स्पीड यहाँ से आ जाएगा 200/49. सिंपल. सो ये जो बचा हुआ कार है दैट इज मूविंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन विथ 200/49 मीटर पर सेकेंड. अब हम सेकेंड शेल को फायर करते हैं है ना. जैसे ही आप सेकेंड शेल को फायर करोगे ऑफ मास m, ये जो बचा हुआ मास है अब कितना हो गया? 48 m हो गया है ना, एक m और बाहर हो गया. सो ये 48 m हो गया. अब इसका जो स्पीड है अगेन चेंज हो जाएगा, लेट्स से ये पीछे की तरफ मूव करने लगा विथ v2. सो अभी आपको क्या पता है कि रिलेटिव स्पीड ऑफ द सेकेंड शेल विथ रिस्पेक्ट टू 200/49 है ना. फायर करने से पहले, फायर करने के बाद v2 हो गया, बट हमें किसके रिस्पेक्ट में लेना है? फायर करने से पहले, दैट इज 200/49. फायर करने से पहले आपका जो कार था उसका स्पीड जो था उसके रिस्पेक्ट में लेना है ना, v2 के रिस्पेक्ट में नहीं लेना क्योंकि वो फायर करने के बाद है. फाइन. सो देखो ये जो शेल था पहले कार का पार्ट था,
सो ये भी उसी सेम स्पीड से मूव कर रहा था 200/49। अब इसके इसके रिस्पेक्ट में से एक स्पीड और मिल जाएगी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, दैट इज़ 200 मीटर पर सेकेंड। अब देखो आप इस तरह से अगर कंफर्टेबल हो कि ये स्पीड होगा इस शेल का फायर करने के बाद, अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो दैट इज़ फाइन। अदरवाइज आप इस तरह से करो कि ये जो कार है ये मूव कर रहा है विथ 200/49 और जो शेल है उसका स्पीड हम कुछ VS एज्यूम कर लेते हैं ग्राउंड के फ्रेम में। अब मैं ग्राउंड के फ्रेम में क्यों निकालना चाहता हूँ, मैं ग्राउंड के फ्रेम में इसलिए निकालना चाहता हूँ क्योंकि जब आप मोमेंटम कंजर्व करोगे तो आपको ग्राउंड के फ्रेम में करना पड़ेगा। अब हम ग्राउंड के फ्रेम से क्यों करते हैं, जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया है, राइट। सो एनीवे देखो यहाँ पे कितना है, ये VS है ग्राउंड के फ्रेम से। अब मुझे क्या पता है, ये जो शेल है इसका मुझे रिलेटिव स्पीड पता है विथ रिस्पेक्ट टू द कार। सो दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ शेल विथ रिस्पेक्ट टू द कार, दैट इज़ गिवन 200। सो वेलोसिटी ऑफ शेल विथ रिस्पेक्ट टू कार दैट इज़ VS माइनस VC, दैट विल बी 200। सो VS विल बी VC प्लस 200। अब VC कितना होगा, VC होगा माइनस ऑफ 200/49 प्लस 200। अब माइनस ऑफ 200/49 क्यों लिया, क्योंकि ये पीछे की तरफ है, राइट। सो ये कितना आएगा, 48/49 × 200। और आप देखो ऊपर भी सेम आ रहा है ना। सो इस तरह से भी कर सकते हो, मीन्स जब आपको रिलेटिव वेलोसिटी दे रखा हो, लाइक पहले ये इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, अब इसके रिस्पेक्ट में हमने 200 आगे की तरफ दे दी। सो नेट कितना हो गया, नेट हो गया 48/49 × 200, फाइन। और ये V2 से मूव करने लगा। सो ये जो सिस्टम है ना, इसका मोमेंटम हमेशा ज़ीरो होगा। सो अभी देखो इस स्टेट में भी ये जो सिस्टम है इसका मोमेंटम ज़ीरो है, मीन्स ये जो दो शेल है इसका जितना फॉरवर्ड मोमेंटम है, ये जो दो शेल है इनका कितना फॉरवर्ड मोमेंटम है, फर्स्ट शेल का 200 m फॉरवर्ड प्लस जो सेकंड शेल है उसका m इंटू 48/49 × 200, ये फॉरवर्ड मोमेंटम हो गया। इतना मोमेंटम बैकवर्ड होगा, बैकवर्ड मोमेंटम में क्या आएगा, 48 m मास जो कार है वो पीछे की तरफ V2 से मूव कर रही है ना। सो बैकवर्ड मोमेंटम 48 × m × V2। सो यहाँ से V2 निकाल लो, m कैंसिल हो जाएगा, राइट। और 200 बाहर आ गया, सो ये 200 मैंने बाहर कर दिया, तो यहाँ पे 1 बचा, 1 + 48/49, राइट, दैट इज़ इक्वल टू 48 V। सो 48 को डिवाइड में भेज दो, दैट इज़ यूअर V2, राइट। और 48 को अंदर भेज दो, सो 1/48 + 1/49, राइट। वैसे यहाँ पे देखो एक पैटर्न जनरेट हो रहा है, अगर आप थर्ड शेल को फायर करोगे ना, सो वहाँ से आएगा 200 1/47 1/48 + 1/49। लेट मी यू नो क्विकली गिव यू अ हिंट, आप इस तरह से देखो, पहली शेल उसकी वेलोसिटी कितनी है 200 m से, सेकेंड शेल उसकी वेलोसिटी है 48/49 × 200, है ना। और जब हम थर्ड शेल की बात करेंगे, अभी जो आपकी कार है थर्ड शेल, जब आपने थर्ड शेल को फायर नहीं किया था उसके पहले, ये जो कार थी ये बैकवर्ड मूव कर रही थी कितनी वेलोसिटी से, 1/48 + 1/49, अभी हमने जो निकाला, बाय 200, राइट। सो ये जो शेल थी थर्ड वाली, ये भी सेम वेलोसिटी से पीछे की तरफ मूव कर रही होगी इनिशियली, है ना। और अभी हमने इसको आगे की तरफ 200 दे दिया, राइट। सो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ m3, और अब इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, v3 हो जाएगी पीछे की तरफ, और इसका मास कितना हो जाएगा, 47 m, राइट। सो अभी भी टोटल मोमेंटम जीरो है। अब ये जो तीन शेल है आगे की तरफ मूव कर रही हैं, आगे की तरफ मूव कर रही हैं, तो इनका फॉरवर्ड मोमेंटम लिख लो, जो फॉरवर्ड मोमेंटम है इस सिस्टम का 200 m + 48/49 × 200 m, सेकेंड शेल का फॉरवर्ड मोमेंटम, थर्ड शेल का फॉरवर्ड मोमेंटम कितना होगा, 200 1 − 1/48 − 1/49, है ना। आप देखो इसका जो स्पीड आगे की तरफ आएगा कितना आएगा, 200, और पीछे वाला स्पीड माइनस कर दो, सो 1 − 1/48 − 1/49, है ना, × m। ये हो गया फॉरवर्ड मोमेंटम, और दैट विल बी इक्वल टू बैकवर्ड मोमेंटम, दैट इज़ 47 m × V3। सो m कैंसल हो रहा है। अब आप देखो 200 कॉमन ले लो, 1 + 48/49 + 1 − 48 1/48, है ना। सो ये 1/48 − 1/49 हो गया, सो कितना हो गया ये 47 V3। अब देखो कितना आ रहा है, अगर इसे सॉल्व करोगे तो 1/47/48 हो गया ये, और ये 49 और ये भी 49, सो ये 48 − 1
47 अपॉन 49 हो गया और 1 प्लस राइट, और ये 200 दैट इज इक्वल टू 47 v3, सो v3 विल बी 47 डिवाइड में ले लो, सो 47 वन अपॉन 47 वन अपॉन 48 वन अपॉन 49 है ना। सो ये पैटर्न आप जनरलाइज कर सकते हो। फाइन, अब हम सेकंड मेथड की जल्दी से बात कर लेते हैं। देखो सेकंड मेथड में कुछ भी नहीं है, सेकंड मेथड भी सेम ही है। उसमें क्या करना है, आपको अपना सिस्टम चेंज कर देना है। जैसे आपने जब फर्स्ट शेल को फायर किया था, सो उसका स्पीड हमने निकाल लिया था कि जो शेल है आगे की तरफ 200 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है और जो बचा हुआ कार है वो पीछे की तरफ मूव कर रहा है विथ कितना स्पीड आया था 200/49। इतने स्पीड से ये जो बचा हुआ कार है जिसका मास कितना हो गया था 48 m, ये पीछे की तरफ मूव कर रहा है। अब आप अपना सिस्टम चेंज कर लो। अब मैं इसे अपना सिस्टम ले लेता हूँ। अब ये जो जो फर्स्ट शेल आपने फायर कर दी उसे भूल जाओ। अब मैंने नया सिस्टम डिफाइन कर लिया, ये वाला है ना, ये जो 48 m मास है कार का वो पीछे की तरफ मूव कर रहा है विथ 200/49। सो अभी देखो अब नया सिस्टम आ गया, अब इस पर भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। जब हम सेकंड शेल को फायर करेंगे तब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, सो इसका भी मोमेंटम कंजर्व होगा। अब इसका इनिशियल मोमेंटम की अगर मैं बात करूँ तो वो जीरो नहीं है, वो जीरो नहीं है राइट। इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस कार मीन्स जो बचा हुआ कार है उसका मोमेंटम कितना आएगा, दैट विल बी लेट मी चेक। नहीं नहीं, जो बचा हुआ मास है जब आप फर्स्ट शेल को फायर करोगे सो जितना मास बचेगा दैट विल बी 49 m राइट, नॉट 48 m। टोटल मास 50 m था जब हमने फर्स्ट शेल को फायर किया, तो कितना मास बचा था 49 m नॉट 48 m राइट। सो अभी मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कितना होगा, दैट विल बी 200/49 × 49 m है ना, किस डायरेक्शन में, पीछे के डायरेक्शन में। कितना आ रहा है 200 m इन बैकवर्ड डायरेक्शन राइट। सो ये इनिशियल मोमेंटम है। अब जब आप सेकंड शेल को फायर करोगे सो जो सेकंड शेल है उसकी हमने जैसे अभी स्पीड निकाली थी कितनी आएगी 48/49 × 200 है ना, ये फॉरवर्ड हो जाएगा और ये जो बचा हुआ मास है दैट इज 48 m ये पीछे की तरफ मूव करेगा विथ v2। अब ये फाइनल कंडीशन है और इस सिस्टम का जो मोमेंटम आएगा वो कितना आएगा, पीछे की तरफ 200 m जो कि इनिशियल मोमेंटम था सिस्टम का, पीछे की तरफ 200 m आना है। सो आप इस सिस्टम का पीछे की तरफ मोमेंटम निकाल लो, कितना आएगा 48 m × v2 है ना इस डायरेक्शन में, माइनस m इंटू 48/49 × 200 राइट। सो दैट विल बी इक्वल टू योर 200 m। और यहाँ से आप निकाल लो कि v2 कितना आ रहा है, आप चेक करो सेम आएगा 200 m, m तो कैंसिल कर दिया मैंने और 200 यहाँ चला गया, सो 200 1 − 48/49 और 1 upon सही कर रहा गया 1 प्लस आएगा ना 48/49 दैट इज इक्वल टू 48 ऑफ v2। सो 48 को इस तरफ ले जाओ, सो 1/48 + 1/49 राइट। इस तरह से जब आप थर्ड शेल को फायर करोगे ना सो आपको फिर सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, मीन्स एक शेल को फायर करने के बाद अपना सिस्टम चेंज करते जाओ। सो उस तरह से भी कर सकते हो। एनीवे आई थिंक इट्स क्लियर, लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन, वी कैन डिस्कस फर्दर। ओके गाइस, कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, बाय।